बन रहा ब्रेजी में बस्ती का। तो मेरे भाइयों, तुम सबको राम राम। और तुम सब ना तोफो, मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। मेरे दोस्त है ना गाइस, मेरे दोस्त, तुम भी जो देख रहे हो, तुम भी और जिनको मैं जानता हूँ कॉलेज में, जो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। और कुछ भी बोलो, और जो मेरे खास हैं ना, जो मेरे खास हैं वो तो इतने अच्छे हैं ना, बहुत। ये बात मेरे को कल नहीं पता चली, काफ़ी टाइम से पता है, बट मैं बताता नहीं हूँ किसी को। बट मेरे दोस्त अच्छे हैं, मैं घमंड भी नहीं करता दोस्तों पे, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास वो मैं घमंड करूँ घमंड करने के लिए। बस यही है कि ठीक है, अच्छे हैं। और मेरे एक दो तो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने ना बता नहीं सकता इतनी गंदी हालत से निकाल दिया ना मेरे को, मेरे एक दो दोस्त ने बहुत। क्यों होता क्या है ना कि जब बंदे की तबीयत खराब होती है ना गाइस, तो उसे नींद तो आती नहीं है, कॉमन सी बात है, नींद कहाँ से आ जाएगी। और तो उसके दिमाग में ऐसी बातें घूमती रहती हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे माइंड में ना ऐसी बातें घूम रही थी सारी रात। और फिर रात का टाइम एक ऐसा टाइम होता है ना, जैसे ही 2 बजे घड़ी में, जैसे 1 बजा भाई, बंदा ना बहुत ऐसा हो जाता है बिल्कुल, जैसे कितना मैच्योर है हर चीज़ को लेके, उसके साथ किसी ने कितना गलत किया, कितना सही किया, क्यों गलत किया, क्यों नहीं किया, सारी चीज़ें ना आ जाती है खुद हूबहू, और वही चीज़ें घूमती रहती हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों, कुछ भी एनीथिंग, और वही सारी चीज़ें ना मेरे दिमाग में घूमती रही रात को। मैंने कहा चलो ठीक है, अब कैमरा उठाओ और आप लोगों से थोड़ी देर बात करो, मेरा भी मन लग जाएगा और वो भी, वैसे ही तबीयत ख़राब है, ऊपर से मन भी नहीं लग रहा। इसलिए तो गाइस मैंने अभी सुबह सुबह सोचा था, जब कि मैंने कहा घर पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी इस हिसाब से, तो मैं हर्ष को लेके अपने किसी तीसरे दोस्त के घर निकल जाता हूँ जिसका घर पास हो, थोड़ा मस्ती भी कर लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि घर पर नहीं लग रहा मन बिल्कुल। यहाँ तो कॉलेज में लग जाता है, बट कॉलेज में स्टडी नहीं हो पाती। यहाँ 3-4 दोस्त मिले, वहाँ स्टडी नहीं हो पाती कॉलेज में, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई पे रहेगा 3 का, वहाँ कॉन्सेंट्रेट तो घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो दोस्त इस चीज़ में अच्छे रहते हैं, कभी भी अपने दोस्तों को मत छोड़ना किसी भी रीज़न से। और दोस्त, अगर तुम किसी को अपना दोस्त मानते हो ना, अगर सही बता रहा हूँ, तुम्हारी कितनी भी लड़ाई हो उस दोस्त से, कितना भी झगड़ा है, तुमसे बोल नहीं रहा, 1 साल हो गई तुमसे बोल नहीं रहा, बट अगर उस लड़के का कभी दिल टूटा है ना, उस लड़के का, तुम्हारे दोस्त का दिल टूटा है, या फिर वो किसी भी चीज़ से परेशान हो जाए, तो चाहे कितना भी पुराना झगड़ा हो, कितनी भी कर रही बात हो, उस पर बहस हो, बट अपने दोस्त का साथ देना, भूल जाना कि मेरी इसकी लड़ाई हुई है, मेरा इसका झगड़ा हुआ है। अरे क्या रखा है झगड़े में, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मेरे दोस्त है पता नहीं क्या, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ था, बट मेरे साथ टाइम हो गया थोड़ा, बट मेरे दोस्तों के साथ अब हो रहा है। मैं सही बता रहा हूँ भाई, यही टाइम होता है तो मैं तुम्हारी दोस्ती दिखाने का, अपना 100% दो, दोस्त को निकाल के मारो उस दलदल से। और भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, तुम ना इस उस पर यूट्यूब पर चैनल है मेरा, उस पर मैंने इंस्टाग्राम की लिंक डाल रखी है, मेरे पे मैसेज करो। मैं ना अभी तो भाई मिड टर्म तक तो जी लेने दो मेरे को बस, उसके बाद मैं ना कुछ भी करूँ तुमसे बात करूँगा, कैसे भी करूँ पर बात करूँगा तुमसे, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा तो मैं उस चीज़ से निकाल लेगी। तो अभी तो मैं खैर सो के जगाऊँ तो थोड़ा हाथ मुँह धो लूँ और फिर कुछ चाय वगैरह पी लूँ, क्योंकि मेरे हो रही है सर्दी, तो मैं चाय पीऊँगा, फिर उसके बाद मिलता हूँ तुम लोगों से, ठीक है ना। आज का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाए ना, तो माइंड मत करना, देखना पूरा ब्लॉग, ठीक है। हाँ तो मैंने बाकी तो काम कर लिए अपने, जो भी घर का था, वैसे घर का नहीं, झाड़ू पोछा, जब तक तो मम्मा जिंदाबाद है तब तक तो हम झाड़ू पोछा तो बिल्कुल नहीं करने वाले घर का, मतलब वैसे जो भी नॉर्मली काम थे वो कर लिए। और खाना भी खा लिया आज मैंने बिना नहाए, वैसे तो डेली से खा लेता हूँ, बट आज कुछ जल्दी खा लिया, और वैसे भी अब फिलहाल तो दवाई लेनी होती है ना, तो इसलिए खा लेता हूँ। और अब जा रहा हूँ मैं नहाने, और एक और अपडेट दूँ तो मैं अपना एक और इंसान ऐड हो गया जो हमारे साथ अभिमन्यू के घर जा रहा है, वो है फौजी, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा ना मूड एकदम ऐसे ख़राब से चल रहा है कुछ दिन से, और एक नंबर लड़का है, मैंने आज तक उस जैसा लड़का नहीं देखा कोई, इतना सबको हंसाता रहता है सबको, पर पागल खुद से ऐड है वो, तो मेरे पर नहीं देखा जाता। तो मैंने कहा भाई तू भी चल मस्ती करेंगे, और उस साइड से थोड़ा हो सका तो भी घूम के आ जाएंगे अपना,
मस्ती उसका पूरा मन लगा के लेके आएंगे कुछ भी सही। मैं अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ता भाई, और मैं यही चीज़ बोलता हूँ लड़कियों तुम भी मत छोड़ा करो, ये चीज़ तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है ना, तुम्हारी फ्रेंड हो कोई परेशान है तो उसका साथ दो, लड़का हो चाहे लड़की, इक्वलिटी सब है, सबको धोखा मिलता है, लड़कियों को भी मिलता है लड़कों को भी मिलता है। बट मेरे केस में तो ऐसा है, मेरे जितने भी दोस्त हैं ना उनकी जितनी मतलब सब तो कमेंटेड नहीं है, बट जितनी भी हैं सब लड़कियों के साथ लॉयल हैं, और उनके केस में लड़कियां लॉयल नहीं हैं, मेरे जितने भी दोस्त हैं जितने भी देख रहा हूँ उतने। तो इसलिए मैं बोलना था, बट लड़कियां भी बहुत सी होती हैं जो लॉयल रहती हैं, और समझ जाओ ये फालतू की बातें छोड़ो, फालतू की बातें नहीं है, तो एक बड़ी दिल से निकलने वाली बात है, बट मैं कोई बात नहीं इस टॉपिक को यहीं लीव करो, इस टॉपिक को यहीं छोड़ो, आगे चलते हैं। चलो मैं नहा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ, तो मैं सीधा नहा कर हाँ, तो गाइस रेडी फॉर माय धंधो और बैठो, ये तो ऑन ही रहती है। चलो सा तो गाइस मैं ना यहाँ लक्ष्मी नगर पर आ गया था, और ये ना इनको मैं लेके ही नहीं आया, इनको मैं भगा रहा हूँ पैदल पैदल अपनी बाइक के पीछे। तो ये है द्वारकाधीश की रास्ता, और अपने फौजी को आज हम यहाँ लेके आए हैं घुमाने के लिए, इसका माइंड ही फ्रेश कर देंगे, आज बहुत दिन हो गए इसको टेंशन लेते लेते। यही रुका ना मस्त लग, चलो यार देखा क्या मस्त जगह पे लेके आया हूँ मैं भाई तेरे को। मेरा बलमा थानेदार चलावे जिप्सी, बता फौजी कैसी लगी तेरे को जगह? और तू तू नहीं बाबा मैं नहीं जाने का, दसाने का होना नहीं, घूमना नहीं है जाने मतलब तू सुन मेरी बात, सुन मेरी बात तो सुन बाबू, मतलब अब बस एक चीज बता मेरे को, अगर अपने बाबा को 10 रुपए दे दिए तो वो तो छोड़ के आ जाएंगे हमें 10 रुपए, फिर लौटने के और लेंगे ना वो हमसे लौटाने। देखो तुम्हें एक चीज दिखाऊं, चल के तेरे रास्तों पे अपना अंजाम करना है, मुझे तो अब तेरे शहरी कयाम करना है, बना के जो रखना है एक तुझी से वास्ता, इसी गर्ज में दुनिया से हर ताल्लुक नाकाम करना है, मेरे दिल में तो तुम हो तुम ही हो बस। पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन हो नाही। हाँ तो गाइस हम ना यहाँ घूमने आए थे, तो देखो हमें क्या मिला है, यहाँ बहुत पुरानी ये नहीं होती लकड़ी की ये बने होते हैं खिड़की वगैरह दरवाजे, यहाँ द्वारकाधीश मंदिर है ना सामने, तो यहाँ पे ऐसे ही जैसे ना पहले रामायण वगैरह में कृष्ण लीला वगैरह में दिखाई जाती है ऐसी, देखना कितना पुराना मतलब पुराने टाइप से बना हुआ है ये, बहुत पुराना होगा है ना फौजी है ना, अरे इसको कुछ नहीं पता, चलो तो फिर नहीं पता। तो हाँ तो हम ना यहाँ घूम लिए और काफी टाइम भी स्पेंड कर लिया, हमने फोटो भी क्लिक कर लिए अपने। तो फौजी कैसा लगा तेरा, तेरे को नजर मूड फ्रेश, माइंड फ्रेश हुआ, सब कुछ फ्रेश हो गया, वजह भी यही थी लाने की, चलो इसको अच्छा लगा तो फिर, मैं तो खैर कई बार आ चुका हूँ यहाँ, कमरे में से बाहर नहीं निकलता था ये, वरना हमारे तो इस दुनिया में रहने का कोई मतलब ही नहीं। एक बात बता, एक चीज बता फौजी, अगर हमारे दोस्त हमारे होते खुश ना रहे तो हमारे इस दुनिया में रहने का कोई फायदा है? वही तो मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं लाया इसको, कोई फायदा नहीं, कमरे में से पानी निकलता। और देखो ये द्वारकाधीश मंदिर है, यहाँ सुबह और शाम को एंट्री होती है यहाँ पे, मैंने व्लॉग बना रखा है, वहाँ टाइम वगैरह सब कुछ डाल रखा है, वहाँ जाके तुम देख सकते हो। जब से मैंने तुम्हें देखा, जब से मैंने तुम्हें जाना, ओ मेरी जाना, भाई इसको हाथ को हटाना, उस वाले हाथ में फोन पकड़े, इधर से चलना है ना।
तेरा देश बढ़ रहा है। बोलो जी वारे की जय। तुझे जो मैंने देखा प्रशांत द अंडरवर्ल्ड ऑन। वाह हाँ वाह मेरी जान वाह। सामने बन रहा ब्रेजी में बस्ती का मेरे सामने बन रहा ब्रेजी में बस्ती का चल पड़ जांदा अख दी अखोरे के में राज करना है राज कर राज करना है राज राज करना है पश्चिम उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी में बस्ती का तो हम यहाँ पढ़ने आए थे और ये देखो क्या कर रहा है हर्ष का मुंह देखना जरा चलो निकलो 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 तुम अबे मुक्का तो मार रहा मैं तो गाइस फाइनली हमने ना फौजी को आज बहुत कुछ कर दिया बहुत ज्यादा मतलब बहुत सोचा भी नहीं था इतना मस्त व्लॉग भी शूट कर दिया और फौजी का इतना अच्छा दिन गया है ना बहुत अच्छा और उनके साथ में मेरा भी आज ना हम द्वारकाधीश भी गए और यमुना के नीचे पुल पे हो गया ना मेरा मैं बहुत दिन से सोच रहा था ऐसे उतर के उसके बगल साइड साइड में बाइक चलाऊं तो आज मैंने बाइक भी चलाई यमुना के बगल बगल साइड साइड और घूमे भी तो पढ़े भी सब काम किया मतलब आज का दिन अच्छा गया और फौजी का भी हम सब का दिन अच्छा गया तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं और कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर थैंक्स लव यू।